में गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते। पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया, उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब इस सब कुछ ठीक होता है और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। मैं आज आसाम की विराट जनसभा के माध्यम से समग्र देश को कहना है, आपके देश की जनता ने दो दो बार दो तिहाई बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश, देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9-9 साल तक तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं, वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता, पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने, नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं दे। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं, और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस वक्त विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। ये नकारात्मक दृष्टिकोण, ये वक्र दृष्टि कभी देश का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने, हम विपक्ष में बैठे तब भी आपका सम्मान, कई सालों तक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई और दो दो बार पूर्ण बहुमत से चुनने के बाद भी आप देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग नहीं कर रहे हो, ये भारत की जनता के जनादेश का अपमान है। और जो दल कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं। Z News.